नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन तीनों PSU कंपनीज ने अपने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए डिविडेंड की घोषणा की है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 30 अक्टूबर आज के दिन एक लेटर रिलीज किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, जिसमें इन्होंने चार रुपए का आपको इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है, जिसका रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने मेंशन किया है कि 10 नवंबर 2021 तक अगर आपके शेयर इनके रिकॉर्ड बुक क्लोजर में रहता है तो आपको ये पर इक्विटी शेयर पे 4 रुपए का आपको ये डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज इनके तरफ से भी एक लेटर रिलीज किया गया है। इन्होंने भी आपको 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के एक डिविडेंड की घोषणा की है, ठीक है। ये भी वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए किया गया है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्ड डेट मेंशन किया गया है 12 नवंबर 2021। आप इनके लेटर में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसके पेमेंट की डेट को भी इन्होंने बोला है कि 29 नवंबर और उससे पहले किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं BPCL। जी हाँ, 58 का जो इंटरिम डिविडेंड था इनका, सॉरी वो स्पेशल और आपको फाइनल डिविडेंड था, वो वित्तीय वर्ष पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया था। ये 21 और 22 के लिए इन्होंने घोषणा की है और ये अभी 5 रुपये के पर शेयर पे आपको दे रहे हैं। और इसका रिकॉर्ड डेट आपको इनके तरफ से 12 नवंबर 2021 मेंशन की गई है। और इसके पेमेंट की जो आपको डेट है वो भी मेंशन कर दी गई है। वो पेमेंट का डेट इन्होंने 27 नवंबर 2021 की या उससे पहले आपको आ जाएगा। आई होप दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको तीन PSU स्टॉक के डिविडेंड के बारे में जो मैंने बताया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें। अगर अभी आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ऐसी हमेशा न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।